कैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं मशरूम चिली, चलिए आपको बताते हैं। अभी हम 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे, 2 या 1/2 ले लिए कॉर्नफ्लावर, 3 भी आप ले सकते हैं। अभी हम मैदा लेंगे, 2 या 3 टीस्पून मैदा ले लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे मशरूम को। अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से आप ऊपर नीचे साइड, आप चाहे तो स्पून में भी मिक्स कर सकते हो। अभी हम तेल दे देंगे कढ़ाई में, कढ़ाई गर्म हो रहा है। अभी हम एक एक को अच्छे से कढ़ाई में छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। आप चाहे तो एक साथ भी, आप अगर एक साथ रखोगे तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए एक एक को कढ़ाई में दे रहे हैं ताकि मिक्स ना हो। देख सकते हैं अच्छे से आप, और आप नमक भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो आपके हिसाब से, बाद में भी ऐड करने से चलेगा। हम देखिए अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लिए, 2 to 3 मिनट छोड़ देंगे, अच्छे से मशरूम हो जाएगा। देखिए ब्राउन ब्राउन होने से अब उठा लेंगे। ये सारा मसाला है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए प्याज, ये तो आप जानते हैं कॉर्नफ्लावर, ये अदरक, ये लहसुन, ये कैप्सिकम, और ये और थोड़ा सा है, ख़त्म हो जाएगा फिर। देखिए फिर ब्राउन हो गया है। अभी हमें अच्छे से ये सबको उठा लेंगे। अभी मशरूम हो गया है, देख सकते हैं आप लोग ब्राउन ब्राउन हो गया है। हम अच्छे से इसको अभी उठा लेंगे। अभी ब्राउन हो गया है, अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा कंप्लीटली। अभी हम सबको उठा लेंगे। एक आप नीचे टिश्यू पेपर रख सकते हैं, और ये मशरूम सबको रख लिया अभी उधर पे। अभी हम मसाला तैयार करेंगे, देख सकते हैं कैप्सिकम, अनियन सब दे रहे हैं। अब चाहे तो हर तरह का सॉस मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके आप दे पाएंगे तो वैसे भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोमेटो सॉस, सेजवान और रेड चिली और सोया सॉस, तीनों को मिक्स कर लेंगे। अभी हम देख सकते हैं अभी हम इसको मिक्स करके दे देंगे। इसे दे दिए, ऐड कर लिए हम लोग। अभी हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चाहे तो थोड़ा देर के लिए इसको 5 मिनट नहीं 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे अच्छे से मिक्स होने के लिए। हो रहा है, पूरा मिक्स हो गया अच्छे से। अभी हम थोड़ा कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून और वाटर को मिक्स करके ऐड करेंगे, और मशरूम को पहले डाल दिए, मिक्स हो गया अच्छे से। फिर हम कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर पाउडर के साथ वाटर थोड़ा ऐड करके इसमें दे देंगे।